Very good evening to all. Welcome to Career Defense School students. In today's lecture, we are going to discuss about abstract noun. Students, abstract noun क्या होता है? First of all, अगर हमें नाम क्लियर है हमें टाइप क्लियर हो जाएगा for sure, right? So abstract मतलब क्या समझते हो? Abstract means those things which doesn't exist physically. जिसका ऐसी चीजें जिनका कोई फिजिकल शेप, कोई फिजिकल साइज, अपीयरेंस, कलर, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, वो कहाँ एग्जिस्ट करती है? देन हमारे माइंड में. क्यों? उनका भी नाम है ना, हमारे माइंड में जो चीजें एग्जिस्ट करती है, मीन्स चाहे हमारे अंदर है, चाहे हमारे माइंड में हमारे आइडियाज है, हमारे इमोशंस है, हमारे एक्शंस है, हमारी स्टेट है, हमने क्या कर रखा है, हर चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक चीज को नाम दे रखा है. जैसे इमोशन है, अगर हम खुश हुए, अगर उसको नाम नहीं दिया तो मैं दूसरे को कैसे बताऊंगी कि मैं खुश हो रही हूं, राइट? हमने हमारे इमोशंस को भी नाम दे रखा है, हमारे आइडियाज को भी नाम दे रखा है. तो दे ऑल आर व्हाट? दे ऑल आर नाउन, बट दे डजंट एग्जिस्ट फिजिकली, सो दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, abstract means those things which only existed in our mind. They don't have any physical appearance. ठीक है, so abstract noun is a name of quality, action, state. ठीक है, abstract noun कौन से होते हैं? Those noun which we can only which we can't perceive through our five senses. कैसे? five senses कौन कौन से होती है? Hear, see, smell, टेस्ट एंड टच, जिनको हम हमारे फाइव सेंसेस से फील नहीं कर सकते, ना हम उनको सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, ना टेस्ट कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, उन नाउन को क्या कहेंगे हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है, कि है, हम फील कर रहे हैं बट हम उनको देख नहीं सकते, हम उनको छू नहीं सकते. ठीक है, उनका कोई साइज, शेप, कलर, एज, कोई भी अपीयरेंस नहीं है. अब आइडेंटिफिकेशन बड़ी आसान है, क्वालिटी लाइक गुडनेस है ना. अब गुडनेस नहीं दिखती, फील होती है. ऑनेस्ट पर्सन को देखते हैं, ऑनेस्टी नहीं देख सकते. क्लेवरनेस, ब्यूटी, काइंडनेस, इंटेलिजेंस, ओबीडियंस, ब्रेवरी, करेज, hardness, softness, wisdom, brightness, these all are what bache? They all are abstract noun. Let me finish Ayush first. ठीक है, कि abstract noun क्या होते हैं? Abstract nouns are the qualities. ठीक है, या हमारे emotions. Emotions भी क्या है? Abstract noun है, like love, joy, एंगर. ठीक है, लव, जॉय, एंगर, हेट, हैप्पीनेस, सैडनेस, दिस ऑल आर व्हाट? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. देन एक्शन, एक्शन में लाफ्टर, स्माइल दिखती है? स्माइल हम सबने देखी है? नहीं देखी, स्माइल करते हैं हम सिर्फ, देखी किसने? फोटो के एक एंगल बनने को स्माइल कह दिया हमने. लाफ्टर नहीं दिखता. ठीक है, ओके, थीफ हम देख सकते हैं, थीफ को नो डाउट हम देख सकते हैं, बट थीफ क्या करता है? थेफ्ट, चोर चोरी करता है. चोरी कभी देखी है? हम कहते हैं चोरी हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, कब आई, कब गई, हमें क्या पता, हमने तो नहीं देखी, ऑफकोर्स, राइट? सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. देन movement is abstract noun. Judgment is abstract noun. Justice is abstract noun. ये क्या होते हैं? इनको हम feel करते हैं, ये देखे नहीं जा सकते. अब बोलते हैं बच्चे, कहते state, state कैसे मैम? तो अगर सिख हो तो हम सिकनेस की स्टेट में, हमने feel किया उस state को, हम देख तो पाते नहीं है. आप पुअर पर्सन को देख सकते हो, पुअर मैन को देख सकते हो, कैन यू सी द पॉवर्टी?
नो यू कांट. ओके बहुत बड़ी एग्जाम्पल. हम जी रहे हैं, हमारे अंदर लाइफ है, हम मानते हैं. देखिए किसे ने है. और जब ये चली जाती है तो इसके बाद में एक और स्टेट आती है विच इज डेथ. वो भी कहां से आती है हमें वो भी नहीं पता. देखी तो हमने ये भी नहीं है, है ना. हम किसी का स्लेव होते हैं तो आप एक स्लेव पर्सन को देख सकते हो, स्लेवरी को नहीं देख सकते. चाइल्डहुड, बॉयहुड, मैनहुड, यूथ, दीज ऑल आर स्टेट जिनको हम सब जीते हैं पर देख नहीं सकते. क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हम उन्हें सिर्फ फील करते हैं. ये एब्स्ट्रैक्ट मैं, ठीक है. हमें एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से भी आते हैं. आइडेंटिफिकेशन तो है ही है, बट आइडेंटिफिकेशन के अलग एब्स्ट्रैक्ट नाउन से कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं. जैसे लॉन्ग से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाओ तो बन गया लेंथ, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रेंथ, वाइड से विड्थ, यंग यूथ, हम्बल ह्यूमिलिटी, डिसेंस डिसेंसी, क्रूअल क्रुएलिटी, लाइक दिस, ठीक है. या फिर हमें आइडेंटिफाई करना आएगा विच टाइप ऑफ नाउन इट इज. नाउ एब्स्ट्रैक्ट के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको, क्योंकि अब इसको हम देख नहीं सकते, ठीक है, तो ऑफकोर्स हम काउंट भी नहीं कर सकते, तो ये किस में आ जाते हैं? अनकाउंटेबल में. तो अनकाउंटेबल में आते हैं तो हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अंडरस्टूड ही है ना सिंगुलर काउंट करते हैं. किसको काउंट करते हैं? सिंगुलर. तो उसके साथ हम फिर क्या है ऑक्सिलरी भी जो है ना वो सिंगुलर ही यूज करते हैं. क्लियर है? इसके साथ कभी भी प्लूरल ऑक्सिलरी नहीं लगानी है. अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में हमें नाउन में जब एरर आता है तो बहुत बार नाउन के साथ गलत ऑक्सिलरी लगा के वो हमें देते हैं, विच इज रॉन्ग, ठीक है. तब उन्होंने अगर फॉर एग्जाम्पल एक जस्ट छोटे से एग्जाम्पल दे दी कि लव है, लव के साथ आर लगा के दे दिया तो गलत हो गया ना, है ना. इसके साथ तो सिंगुलर लगेगा क्योंकि इसका तो काउंट नहीं कर सकते ना. आर लगाने का मतलब क्या हो गया कि हमने तो काउंट कर दिया, हमें बहुत सारा हो गया प्लूरल. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप.